परिषद में और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़े हैं झंझारपुर नगर परिषद से अध्यक्ष पद के मजबूत दावेदार प्रशांत राज जी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार होने वाले नगर पंचायत परिषद के चुनाव में अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ रहे हैं उसका क्या कुछ कारण है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में सर। आपका भी स्वागत है हमारे झंझारपुर नगर परिषद के क्षेत्र में जी। तो क्या कहना चाहेंगे सर, इस बार जो है आप नगर परिषद झंझारपुर से चेयरमैन के रूप में आ रहे हैं, क्या कारण है सर चुनाव लड़ रहे हैं आप? चुनाव लड़ना इसलिए है कि हमारा जो मेन मुद्दा है कि जो विकास का काम हो झंझारपुर में। आप देख रहे होंगे कि जहाँ तक घूम घूम के आप देखिएगा कि पता चलेगा आपको कि सबसे मेन समस्या है जल निकासी का। झंझारपुर में सबसे अहम मुद्दा जो आज के डेट में अभी है वो है जल निकासी का, चाहे वो NH-57 बनने के बाद हुआ हो या झंझारपुर RS में रेलवे स्टेशन नया बनने के बाद हुआ हो। जो मेन समस्या है जो पानी का, जो प्रॉपर ढंग से बाहर निकाला जाए शहर से बाहर, क्योंकि शहर हर दिन नया घर नया मकान नई जमीन पे मकान बन रहा है तो दिक्कत हो रहा है पब्लिक को। मतलब आपके नगर परिषद में आने का अनेक समस्या है जी। तो इससे पूर्व में इस नगर परिषद में आपकी क्या सब सेवाएं रही हैं सर? मेरी मम्मी वार्ड मेंबर रह चुकी है, मेरे एक बड़े भाई साहब भी वार्ड मेंबर रह चुके हैं यहाँ पे, और हम झंझारपुर में क्रिकेट से भी जुड़े हुए हैं। झंझारपुर क्रिकेट क्लब के हम कप्तान भी रह चुके हैं और एक अच्छे कप्तान के तौर पे, और हमारे नीचे बहुत सारे जूनियर खिलाड़ी जो आज भी झंझारपुर की तरफ से आसपास के गांव में बाहर भी अच्छा नाम कमा रहे हैं। तो हम लोग ने मेहनत किया है खेल पे भी, और उतना ही मेहनत अब है कि झंझारपुर के विकास पे हो, क्योंकि प्रशासन का जो रवैया है नगर पंचायत के प्रशासन का, जो आप उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, अगर आप बोलेंगे भी तो उनके कान में एकदम कुंभकर्ण की नींद का जैसे आवाज़ जाता है। सर वर्तमान समय में जो है आपके झंझारपुर नगर परिषद किन किन समस्याओं से घिरा हुआ है और यहाँ पे यहाँ के जो मूल समस्याएं हैं किस तरह की समस्याएं सब हैं? सबसे बड़ा समस्या तो है नाला का जल, क्योंकि जल निकासी और नाला का समस्या सबसे अहम है जी। क्योंकि जहाँ पे नाला होना चाहिए वहाँ पे नाला नहीं मिलेगा आपको नगर परिषद के क्षेत्र में, और जहाँ नाला नहीं भी रहता अभी काम चल जाता है वहाँ पे नाला मिल जाएगा, तो ये सबसे बड़ी समस्या। अगर आप यहाँ कितने वार्ड है सर और इस नगर परिषद की आबादी कितनी है सर? अभी तो नगर पंचायत का 16 वार्ड है और नया परिसमन हो रहा है तो 27 वार्ड, अभी हम लोग सुन रहे हैं कि 27 वार्ड तक होगा, तो वो अभी सीमांकन चालू हुआ है, तो जब हो जाएगा घोषणा तो उसके बाद इस बेटर पे हम बात बताएंगे आपको। अगर झंझारपुर नगर परिषद के युवाओं और जनताओं के सहयोग से समर्थन से अगर आपको जीत सुनिश्चित होती है तो यहाँ पर आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, क्या कुछ करना चाहेंगे? झंझारपुर का विकास आप ग्राउंड लेवल पे ही कर सकते हैं, और नगर अध्यक्ष जो होता है वो जिस क्षेत्र का, उसका काम होता है कि उस क्षेत्र का विकास करना, क्षेत्र से बाहर का विकास नहीं करेगा वो जी। तो हमारा काम है जो बेसिक जो इंदिरा आवास हो गया या राशन कार्ड में नाम जुड़वाना हो गया या वृद्धा पेंशन हो गया या आप देखेंगे जो मृत्यु प्रमाण पर जन्म प्रमाण पर, तो डोर टू डोर कैंपेनिंग करके नगर परिषद अपना कुछ लड़का रखेगा और उस डोर टू डोर कैंपेनिंग करके हम खुद घर पे भेज के और उस सब तरह का काम करवाएंगे ताकि परेशानी किसी को ना हो। और जो मेन समस्या है भ्रष्टाचार का, अगर आप अगर आज जाएंगे अगर नगर परिषद के अंदर या कहीं पे भी अगर इस क्षेत्र में अगर आपको चाहिए जन्म प्रमाण पत्र तो टाइम पे नहीं मिलेगा और उसके बाद भी आपसे पैसा मांगा जाएगा। अगर आप पंजीयन 2 में रसीद कटाने जाते हैं कर्मचारी के पास तो वहाँ पे भी आपको टाइम पे नहीं मिलेगा बिना पैसा दिए हुए। तो सर आप ये बताइए, आप एक युवा है नौजवान है यहाँ पे, खास करके युवाओं के लिए किस तरह की आप रणनीति है, मतलब चुनावी मैदान से आप युवाओं के लिए क्या कुछ सौगात देना चाहेंगे? युवाओं का सबसे तो मैंने कि झंझारपुर में इतना अच्छा स्टेडियम है और जो हाल स्टेडियम का भी हो चुका है, हम लोग अपना जीवन वहाँ पे खेल के बिताए, अच्छा नाम भी क्रिकेट से हुआ था हमारा, तो जो स्थिति स्टेडियम का है आप देख रहे जाके देखिएगा, वहाँ का भी रिपोर्टिंग कीजिए आप लोग। हम अनुरोध करेंगे आप लोग से भी जो आप झंझारपुर के स्टेडियम का जो स्थिति है अभी वो आप देखिए। तो हमारा काम है कि अगर नगर परिषद में अगर हम जीत के आते हैं तो युवाओं का जो मेन मुद्दा है शिक्षा, शिक्षा जो स्कूल का जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर सही पे टाइम पे कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो क्या लग पा रहा है कि इस बार जो है युवाओं का जनताओं को यहाँ क्या समर्थन आपको प्राप्त होने वाला है? युवाओं का मन उब चुका है बाबुओं से और बहुत तरह की नेताओं से, सबसे मन उब चुका है क्योंकि सबको भोज में पूरी खाने का आदत हो गया, गर्म पूरी खाने का,
और युवाओं को चाहिए काम, युवाओं को दिखना चाहिए काम कि ये हमारे लिए करेंगे, उनको विश्वास होना चाहिए कि ये जो जीत के आएगा ये हमारे लिए जीत के आएगा। तो अंत में आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से झंझारपुर नगर परिषद के यहाँ के तमाम जनताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आप? हमारा अपील यही है कि आप लोग सब मिलके एक बार नए झंझारपुर का निर्माण करें, नया झंझारपुर ऐसा हो जहाँ पे मुद्दा आपका हो, वादा हमारा होगा। वादा हमारा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे मुद्दा है ही नहीं, कोई भी जितना भी कैंडिडेट या जो भी इससे पहले भी जो भी हुआ था, जो भी जीत के आए हैं, मुद्दा पे काम नहीं हुआ है। जो हमारा बेसिक मुद्दा है झंझारपुर का विकास के लिए, वो मुद्दा रुक सा गया है। आप देखेंगे तो जैसे लगेगा कि 10 साल 15 साल से यहाँ पे कुछ काम हो नहीं रहा। तो समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत राज जी, जो इस बार झंझारपुर नगर परिषद से चेयरमैन के रूप में चुनावी दंगल में उतर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, इनका कहना है कि अगर यहाँ पे जनताओं का हमें अगर समर्थन मिलता है और उनकी अगर समर्थन से अगर हम जीत को सुनिश्चित करते हैं और चेयरमैन के रूप में आते हैं तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है वो जल निकासी नाला का है, जो इसकी प्राथमिकता पहली वो रहेगी कि यहाँ पे जल निकासी नाला का प्रबंध करना। उनके अलावा यहाँ पे जो भी अन्य समस्याएं हैं उन तमाम समस्याओं के लिए काम करेंगे, क्योंकि इनका कहना ये भी है कि यहाँ भ्रष्टाचार जो चरण पे है उनको भी हम समाप्त करने का काम करेंगे और आगे देखा जाएगा चुनाव में कि जनताओं का क्या समर्थन प्राप्त होता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम जल्द वापस आते हैं। धन्यवाद।